मगर मेरी सहेली को यहाँ पर रहना नसीब नहीं हुआ। सही तो गम है। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ दिल लग गया तुम्हारा यहाँ? नौकर वोकर नहीं रखे तुमने? बस वो नया नया हूँ इस इलाके में, वो एक मुलाजिम है, वो आ जाता है वो काम के लिए, और बाकी चाय वाय तो मैं बस खुद ही बना लेता हूँ। हाय हाय, औरत के बगैर तो घर घर नहीं, खंडर लगता है। ये देखो हाल। वैसे मियाँ एक मशवरा देती हूँ तुम्हें। हाँ हाँ बोलो। शादी कर लो तुम। शादी? पुरुष जब भी तुम घर में बोर हुआ करो ना, तो बिला झिझक मेरे पास आ जाया करो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज नादरा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम आई हो। हाँ इफ्रा, खाना तुमने बनाया था या फिर रशीदा ने? मैंने। बहुत बदमजा था खाना। कोरमे में नमक ज्यादा, गोश्त कच्चा और मुर्गी फीकी। जानबूझकर करती हो ना ऐसा? हाँ, जानबूझकर रिक्साय करने की मेरी आदत नहीं है, अलबत्ता आपको खाने में कीड़े निकालने की आदत जरूर है। बंद करो अपनी बकवास। तुम्हारी ये चालाकियां राशिद और मुख्तार के सामने तो चल सकती हैं, मेरे सामने नहीं चलेंगी। जाओ रशीदा से बोलो चाय लेकर आए। जाओ। कितनी जुबान दराज और चालाक है ये, कैसे मुंह फाड़ के आपको जवाब दे रही थी। देख लो मेरी बेबसी। आप फिक्र नहीं करें, मैं ठीक कर लूंगी इसे। बस क्या बताऊं रोज, इस इफ्रा के सामने तो मेरी एक नहीं चलती, और वो बाप बेटा फौरन इसकी तरफदारी शुरू कर देते। बस अब तुम आओगी ना तो इस लड़की को उसकी औकात में रखना तुम। हाँ जवाद कब आ रहा है आंटी? वो तो एक महीने बाद का कह रहा था, लेकिन मैं अब उसे कहूंगी कि जल्दी आ जाओ भाई, मेरे अलावा भी यहाँ कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ आपको बुरा तो नहीं लगा ना, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। अरे अरे कैसी बातें कर रही हो, क्यों बुरा लगेगा? और वैसे भी तुम जब आ जाओगी ना यहाँ मेरे घर, तो मैं तुम्हें सारे तौर तरीके खुद सिखाऊंगी। थैंक यू। तुम तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे मैंने कोई नामुनासिब या गैर शरई बात कर दी हो। लोग शादी नहीं करते क्या? क्या हो गया वो तुम्हारी बीवी? मेरी उम्र देखो, नाना बन गया हूँ मैं, और इस उम्र में। अरे फयाज तुम्हारी उम्र कोई ज्यादा नहीं है, यहाँ पर मर्दों की उम्र नहीं बल्कि हैसियत देखी जाती है। और तुम तो सिर्फ नाना बने हो ना, मैंने तो पर नाना के रिश्ते भी करवाए हैं। देखो बतूल, जो मेरी जिंदगी थी वो बस आफिया के साथ गुजरी, जो उम्र थी वो आफिया के साथ गुजरी, और बाकी जो रह गई है वो उसकी यादों के साथ गुजर जाएगी। ये चीनी दो। बस रहने दो, शुगर है मुझे। अरे सोच क्या रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं मेरे पास। हाँ तुम्हारे लिए बेवा या तलाक वाली क्या, बल्कि कुंवारी लड़की मिल सकती है, वो भी छोटी उम्र की। इतनी बड़ी जायदाद है तुम्हारी, दुकानें हैं, जमीनें हैं, इतना सारा किसके नाम करके जाओगे? अगर बेटा हो गया ना तो तुम्हारा वारिस होगा, पर ना ये सारी जायदाद जो है ना इफ्रा के नाम हो जाएगी, सब कुछ तुम्हारे बड़े भाई के पास चला जाएगा, और ये सारी जायदाद तुम्हारे बड़े भाई के नाम हो जाएगी। जो भी है, जो भी तुम कह रही हो, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता बस। अरे तुम तो इस तरह कह रहे हो कि जैसे मैं आफिया पे सोकन लाने का कह रही हूँ। सोच लो तुम्हारे पास वक्त है, मैं बाद में आऊंगी तुम्हारे पास। अल्लाह हाफिज़। चाय पी लो। बस चलती हूँ।
मुझे दे दो चाय, मैं ले जाती हूँ नरगिस आंटी के लिए। वैसे शक्ल से तो तुम पढ़ी लिखी लगती हो, फिर राशिद जैसे अनपढ़ और जाहिर इंसान से शादी क्यों की तुमने? मेरे और आपकी ऐसी भी तकल्लुफी तो नहीं कि आप मुझसे इस तरह के फजूल सवाल पूछ रहे। क्यूरियोसिटी हो रही थी मुझे, तुम्हें देखा तो रहा नहीं गया, इसलिए पूछ लिया। क्यूरियोसिटी तो मुझे भी बहुत हो रही कि आपसे एक बात पूछूं। अमेरिका में अपनी अम्मी अबू को छोड़ के यहाँ आ गई हो शादी करने, ऐसा भी क्या हुआ? बहुत से लोग शादी करना चाहते थे मुझसे, बस मुझे ही कोई पसंद नहीं आया। अच्छा, और यहाँ बगैर देखे बगैर मिले पसंद भी आ गया, बहुत अजीब सी बात नहीं? लगता है तुम्हें बहुत जलन हो रही है मेरे और जवाद के रिश्ते से। पर जाहिर है मंगेतर चाहे साबिका ही क्यों ना हो, अगर किसी और का हो जाए तो दिल तो दुखता है ना, गुस्सा भी आता है। जवाद मेरे लिए एक पुराना अखबार है और किसी भी की खबरें पढ़ने का मुझे कोई शौक नहीं। मेरे अंदाजे से भी ज्यादा तेज है, इसे संभल कर चलना होगा, मुझ नुकसान पहुंचा सकती है। की तरफ जा रही थी तो सोचा तैयार हो जाऊं। अच्छी लग रही हो काफी, ऐसे ही रहा करो ना, तैयार चार होके। तैयार अपनों के लिए हुआ जाता है, पहले समरा अम्मी चलेगी फिर अम्मी, किसके लिए तैयार? हम तो यही सुनते आए हैं कि बेबियां अपने शौहरों के लिए तैयार होती हैं, नहीं? मैं पहना देता हूं, मुझे भी अपना समझा करो, गैर थोड़ी हूं, अपना ही हूं तुम्हारा। अच्छी लग रही है। इश्क तेरा सताए सांस है थमे से, नैना मेरे बहते जा है सी जा वफा की, गम की चुभन है फिर रुलाए, आज मैं तुम्हें ना एल्बम दिखाती हूँ। वैसे हमारा ज़माना बड़ा अच्छा था, जब भी दिल चाहता था ना तस्वीरें देखने को उठा के एल्बम अपनी गोद में रख लेते थे, आजकल तो जो भी है ना बस फ़ोन में है। मेरे अम्मी पापा के पास भी बहुत सी एल्बम्स थी इस तरह की। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? चचा फयाज की तरफ, वो उन्होंने घर बदलाना तो इफ्रा चाह रही थी वहां जाना। इफ्रा ने कुछ कहा तुम पर तो फर्ज हो गया ना वो मानना, मैं जैसे रोक सकती हूँ। जाओ भाई। और सना कहाँ है? सना सो रही है, रशीदा उसके पास है, हम जल्दी आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें। बस अबू ने नया घर लिया है ना, थोड़ी सी सेटिंग करा दी।
जाओ जाओ भाई। घर सेट करवा दूँ। जताना चाहती है कि उसके बाप के पास नई गाड़ी, बंगला और बहुत कुछ आ गया है। ऐसे जैसे मैं जलूंगी, जलती है मेरी जूती। इफ्रा की अम्मी की तो अभी रिसेंटली डेथ हुई है ना, नाजा मामी बता रही थी मुझे। हाँ भाई, बीवी मर गई है और शौहर को नई गाड़ी और बंगले की पड़ी है। तो अब पैसा जो आ गया हाथ में, दिल के अरमान तो निकालेंगे ना छछोरे नौदौलतियों की तरह। अब बुढ़ापे में वैसे भी उनको इस दौलत का क्या करना है, जवानी सारी तो गुर्बत में गुजार दी, अब तो बाबा जी को सब खैरात करके अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। है तो वैसे मुख्तार से छोटा, लेकिन फिर भी नाना तो है ना, इस उम्र में घर की नहीं कब्र की फिक्र होनी चाहिए। अच्छा खैर छोड़, ये देखो। अरे फ्याज यार, नंबर ये नहीं, कार्ड ही नहीं, कुछ ठीक कह रहा है यार, क्या ये कौन आ गया? एक मिनट अच्छा इकबाल, उधर मेहमान आ गए हैं। फियाज भाई घर तो देख लिया, अब चक्कर लगता रहेगा। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, शुक्र। बैठे हैं, आओ बैठे, बैठो बैठ बैठ बैठे चचा फियाज, बैठे बैठे। ये कौन लोग थे अबू? पुराने दोस्त थे, वो नंबर लिया किसी से तो मिलने पहुंच गए। अच्छा, मैंने कभी नहीं देखा उन्हें, हमेशा शाकिर अंकल और सिद्दीकी चाचा को ही देखा है मैंने। हाँ, वो तुम्हारी माँ को पसंद नहीं था मेरा उनसे मिलना, तो वो इसलिए बस एक दो बार दुकान पे हुई थी मुलाकात, तो वो बहुत अरसे बाद मिलने चले आए। अबू जब अम्मी को पसंद नहीं था तो आपको नहीं मिलना चाहिए ना इनसे। क्या हो गया है, इनकी तफ्तीश क्यों कर रही हो? इनका मीटर बिल्कुल सही है, बच्चे थोड़ी हैं, उदास हो जाते हैं क्यों? वो मैं अकेला होता हूँ घर पे, और फिर जब से तुम्हारी माँ गई है बिल्कुल बेकार सा हो गया, वो समझ में नहीं आता क्या करूँ। सॉरी बेटा। अबू मैं आपसे सॉरी कहती हूँ, मैं तो बस इसलिए कह रही थी आप अकेले होते हैं, मैं बहुत परेशान रहती हूँ आपकी वजह से, आप मेरी तरफ आ जाया करें, सिद्दीकी चाचा की तरफ चले जाया करें, शाकिर अंकल से मिल लिया करें, लेकिन लेकिन उदास ना हो प्लीज। सॉरी बेटा, मैं तुम दोनों आ गए हो ना, अब उदासी खत्म हो जाएगी। तुम सना को नहीं लाई, मैं तो उसका इंतजार कर रहा। सना सो रही थी तो मैंने सोचा मैं मिलाऊं। मैं जरा किचन में देख लूं चीजें है ना। नहीं नहीं, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, किसी काम वाले का इंतजाम भी नहीं हुआ ना, सब आप कर रहे हैं। नहीं बस खुद ही से ही कर लेता हूँ सब। वो हाँ इफ्रा, वो बतूल मिलने के लिए आई थी।